हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक हेल्प चैनल पे। मैं हूँ चंदन और आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे आपको सीएसई से रिलेटेड वीडियोस और टेक्निकल हेल्प सपोर्ट आपको सब कुछ मिलेगा, तो प्लीज़ आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट करके आप इसे अपने नोटिफिकेशन अपडेट्स को मतलब सक्रिय कर लो, जिसके कारण आपको सारा अपडेट आपको जल्दी मिले, ठीक है, फ्यूचर अपडेट्स। तो जैसा कि हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, आपने तो देखा ही होगा सीएससी से हायर सीटीसी का जो काम सब जो था, या पकड़ लो एजेंटशिप, वो मैंडेटरी था। तो वो बीच में काम आपका स्थगित हो चुका था, बंद हो चुका था, तो जिसमें हमें कोई गुंजाइश नहीं थी या हमें कुछ पता नहीं चला था कि वो काम आगे शुरू भी होगी कि नहीं। तो अब बात ऐसा है कि काम शुरू हो चुका है, क्योंकि बीच में वो IRCTC ने अपनी वेबसाइट को अपडेट किया था, तो उसमें EKYC के लिए कोई प्लेटफॉर्म तैयार नहीं किया गया था, जिसको अभी अपडेट होने में कम से कम 2 से 2.5 महीने लग गए। तो जैसे ही अपडेट हो गया तो ये अभी चालू हो चुका है, और हमें यह न्यूज़लेटर में बताया जा चुका था कि ये सब कुछ चालू हो चुका है, बट फिर भी अभी भी कोई कोई एजेंट को ये परेशानी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि अभी भी ये लॉगिन नहीं हो रहा। या कोई कोई ऐसा हुआ है कि जिनको IRCTC की तरफ से यूज़र आईडी मिल चुका था, तो उन्हें एजेंट इंटरफेस होम में जाके उसे उसके साथ आधार लिंक करना था, या पकड़ लो वेरिफिकेशन करना था, जो कि वो कर नहीं पा रहे। तो ऐसे मैंने अपने कमेंट में देखा कि किसी ने मुझसे पूछा कि ऐसे कैसे करें, तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आप किस तरह से आप अपने एजेंटशिप को आधार के साथ में लिंक करो या वेरीफाई करो। तो सबसे पहले आप अगर चाहते हो तो एक काम कर सकते हो, गूगल पे आप टाइप करो एजेंट इंटरफेस होम पेज IRCTC, या फिर ऑपरेशंस IRCTC आप कर सकते हो, गूगल पे आप टाइप कर सकते हो। जैसे कि आप टाइप करोगे तो आपके पास एक पेज खुल के आ जाएगा, जो कि सबसे पहले है एजेंट इंटरफेस होम पेज। आप इस पर क्लिक कर लो। जैसे आप उसे क्लिक करते हो तो आपको ये ऑपरेशंस IRCTC इंटरफेस पे ले जाएगा ये, ठीक है। तो आप इसे डिजिटल लॉगर की तरफ से भी, डिजिटल सेवा पोर्टल की तरफ से भी खोल सकते हो। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये टाइम ले रहा है इंटरव्यू होने के कारण, ऐसा जैसे देख रहे हो यहाँ पे मेरा ये यूज़र आईडी और पासवर्ड पहले से रजिस्टर्ड है, मतलब मैंने उसे सेव करके रखा हुआ है, क्योंकि फ्यूचर में मुझे फिर से टाइप ना करना पड़ेगा और टाइम कंज्यूम ना हो। तो अब आप यहाँ पे कैप्चा अपना दे दो। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कैपिटल में सब कुछ कैप्चा है MJK4। आप इसे दे के आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर लो। आई हैव रेड द IRCTC रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर बुकिंग ई-टिकट्स टू कस्टमर्स। लॉगिन जैसे मैं करता हूँ, आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। जैसे आप इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपका यूज़र मैनेजमेंट है, अपडेट प्रोफाइल ऑफ सब एजेंट है, इंक्वायरीज, पासवर्ड मैनेजमेंट, RDS, MISC, डॉक अपलोड एंड व्यू, हेल्प एंड लॉग आउट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारा जो इश्यू था, जो मुझसे एक मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने, मतलब एक जो व्यूअर है, आई थिंक व्यूअर, तो उन्होंने मेरे एक वीडियो पे कमेंट किया हुआ था, जो कि मैंने रिसेंटली छोड़ा हुआ वीडियो, जो कि मैंने उसमें बताया हुआ है कि आपका CSC का IRCTC का एजेंटशिप चालू हो चुका है और आप उससे टिकटिंग भी कर सकते हो। तो ऐसा प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है कि वो बीच बीच में लॉगिन नहीं हो पा रहा, क्योंकि अभी वो जब मतलब टेस्टिंग मोड में आप उसे पकड़ सकते हो, या फिर किसी किसी का वो अपडेट हो रहा है, बीच बीच में वो टेक्निकली सर्वर मतलब क्रैश हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, आप आधार बेस्ड KYC पे चले जाओ अपडेट प्रोफाइल ऑफ सब एजेंट के बाद। तो यहाँ पे आपको वो आधार नंबर मांगेगा, अगर आपका आधार OTP, एक्चुअली आप अगर आधार देते हो तो आपको एक OTP जनरेट करने के लिए एक ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा आपके आधार के साथ में। तो अब जैसे आप उसे OTP जनरेट होगा, आप उसे इंटर करोगे, आपके यहाँ पर बता रहा है कि आधार इज़ ऑलरेडी वेरीफाइड फॉर यूज़र, इस तरह का आपको दिखाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपका ये इंटरफेस, यहाँ से जब आपका आधार इनेबल्ड हो जाएगा, उसके बाद आप इसमें सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे यूज़र मैनेजमेंट आपका सब कुछ, एजेंट ओल्ड माइग्रेटेड लॉगिन आईडी, सब कुछ है यहाँ पे। फिर आप इसे लॉग आउट कर लो। लॉग आउट करने के बाद में आप कुछ समय के लिए छोड़ दो, और उसके बाद फिर से आप लॉग इन करो, ताकि वहाँ पे देखो कि आपका वो
हो चुका है कि नहीं, वो तो जैसे ही आप OTP डालोगे वैसे ही आपको वेरिफिकेशन दिखा देगा और आप फिर से आप IRCTC पे चले जाओ। IRCTC का जो वेबसाइट है आप उस पर चले जाओ और उसके बाद अपना लॉगिन कर लो। तो लॉगिन इसके लिए आप मेरे पुराने वीडियो को देख लो जिससे कि आपको कोई समस्या ना आए, और जो रूल्स रेगुलेशन है जिसको क्लिक करके मतलब फॉलो थ्रू करना पड़ेगा या उसको आपको उस प्रोसेस को फॉलो करके आप टिकटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट भी करें ताकि कोई भी वेली को इस तरह का समस्या ना आए, और जिस किसी को भी समस्या आएगा तो आप इस वीडियो को देख लो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते